हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ विद रचना। सुबह हो गई है मेरी और आ गई हूँ मैं किचन में। अदरक वाली चाय बना लेती हूँ, फिर देखती हूँ आज के दिन में ऊपर वाले ने मेरे लिए क्या लिखा है, कैसे बीतने वाला है और जैसा भी बीतेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक तरफ चाय बन रही है और दूसरी तरफ मैंने यहाँ दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, जिसका मैं दही जमा देती हूँ। और इस टाइम सुबह ही दही जमा देती हूँ जो कि लंच तक तैयार हो जाता है फ्रेश जमकर। 3-4 घंटे में आजकल जम जाता है गर्मियों में। और चाय भी यहाँ बन चुकी थी तो मैंने छान ली है। गुड़ का पाउडर मैं ऐड करती हूँ इसमें, तो वही मैंने मिक्स कर दिया है। और चलिए अभी मैं चाय पीती हूँ। और मैं अपनी चाय लेकर यहाँ आ गई हूँ लिविंग रूम में, तो बैठती हूँ थोड़ी देर। इसके बाद मैं गई हूँ बालकनी में देखने के लिए, तो फूल सुंदर सुंदर खिल रही है, बेला के फूल भी खिल रहे हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इनमें, बहुत सारी ढेर सारी कलियाँ आई हैं, तो ये सारे खिलेंगे तो और सुंदर लगेंगे। और इसको कल मैंने थोड़ा सा साफ़ किया था यहाँ पर, लेकिन बारिश हो गई थी तो अभी ऐसा ही रखा हुआ है। आज देखती हूँ करूँगी। और ये देखिए इंतज़ार में बैठे हैं, तो इनके लिए भी दाना पानी रखना है मुझे। यहाँ रख देती हूँ मैं, ये कॉर्न के दाने हैं। तो ये कॉर्न ना गिलहरी भी खाती है और चिड़िया भी खाती हैं। और ये देखिए सभी आसपास बैठे मुझे देखते रहते हैं कि ये कब आएंगी और कब रखेगी। इसके बाद मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ तो न्यूज़पेपर भी उठाती हूँ, बाहर पड़ा हुआ था तो इसको उठा कर रख लेती हूँ अंदर। थोड़ी देर पढ़ूँगी, देखूँगी क्या है। और ये आप पेपर देख कर समझ गए होंगे कि ये व्लॉग संडे के दिन का है। तो थोड़ा सा उलट पलट कर देखती हूँ, बहुत ज़्यादा तो कुछ ऐसा नहीं पढ़ती हूँ। सारी न्यूज़ ना आजकल पता चल ही जाती है, टीवी नहीं देखती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से पता चल जाती है बहुत कुछ। और इसके बाद ना हो गई है यहाँ बारिश शुरू, काफ़ी तेज़ बारिश। तो अभी आजकल ना अच्छी बारिश हो रही है, कल भी हुई है, आज भी हो रही है। वैसे ना हरियाणा में बारिश होती ही नहीं थी, बहुत कम होती है गुड़गांव में ख़ास तौर से, लेकिन इस बार अच्छी हो गई है बारिश, तो मौसम अच्छा हो जाता है। तो चलिए, यहाँ अच्छा मौसम हो रखा है और अब कुछ नाश्ते में ऐसा बनाती हूँ जो बारिश में अच्छा लगता हो। तो वैसे तो देखिए बारिश का और पकौड़ों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन पकौड़े तो मैं यहाँ नहीं बना रही हूँ, मैं बनाने वाली हूँ बेसन का चीला। तो उसी के लिए मैं बेसन निकाल रही हूँ, फ्रीज़र में ही रखती हूँ मैं बेसन, सूजी, मैदा हुआ, सत्तू, ये सब चीज़ें, मसाले भी रखती हूँ फ्रीज़र में, तो ख़राब नहीं होते हैं, काफ़ी दिन चल जाते हैं। और ये मैंने निकाल लिया है, कंटेनर में निकाल दिया था, पैकेट अभी नया खोला था। तो थोड़ा सा बेसन मैंने निकाल लिया है बर्तन में, और जो दूध का बर्तन था खाली हुआ था जिसका दही जमा दिया था उसी में मैंने घोल लिया, उसे यूज़ कर लेती हूँ मैं, और बर्तन नहीं होते हैं इसलिए। तो ये देखिए मैंने सब लगा दिया है यहाँ कंटेनर सही से फ्रीज़र में, और प्लास्टिक के ही रखती हूँ क्योंकि ये वेट ना हो इसलिए। ग्लास के रखूँगी तो बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा, इसलिए फ्रिज में मैं प्लास्टिक ही यूज़ कर रही हूँ अभी तो। और ये मैंने प्याज ले लिया है यहाँ पर, फ्रिज के साइड में ही इसकी बास्केट रखती हूँ जिसमें आलू प्याज रहता है। तो एक प्याज मैंने ले लिया है जो कि मैं चीला में डालूँगी इसको फाइनली चॉप करके। तो प्याज मैंने यहाँ चॉप कर लिया है, इसके साथ ही हरी मिर्ची, हरा धनिया भी रखा हुआ था तो ये भी डाल दूँगी। अच्छा लगता है चीला में बहुत ज़्यादा, ये फ्रेश अभी रखा हुआ था तो इसको भी मैंने चॉप यहाँ कर लिया है। और सब कुछ ये बेसन में मिला दूँगी। तो इसमें प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची और कुछ मसाले डालती हूँ, जिसमें हल्दी पाउडर है, कलर के लिए डाल देती हूँ, अच्छा कलर आता है, मिर्ची का पाउडर है, थोड़ा सा जीरा, अजवाइन भी डालती हूँ और हींग, हींग इसमें ज़रूर डालनी चाहिए, अच्छा रहता है बेसन की चीज़ों में क्योंकि थोड़ी सी हैवी होती हैं और हींग डालने से डाइजेशन सही रहता है। और इस सब को डालकर मैंने यहाँ पानी डालकर, पहले थोड़ा पानी पड़ेगा, और इसे घोल लिया है।
तो जैसा कि पता है, हम सभी को ही मालूम है कि बेसन या मैदे में जब भी पानी डालते हैं तो धीरे धीरे ही ऐड करते हैं, एक साथ नहीं डालना होता है, नहीं तो लम्स पड़ जाते हैं। और इसके बाद मैंने थोड़ी देर उसको रख दिया था बैटर को, तब तक मैं यहाँ पर और काम कर लूँगी, सारा ये जो रहता है मेरा सुबह का डस्टिंग वगैरह रहती है। तो अभी जो इधर उधर थोड़ा सामान फैला रहता है, पेपर हुए या बर्तन हुए, तो उनको रख दिया है मैंने, और डस्टिंग मैं बाद में करूँगी। अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर योगा यहाँ बैठकर, तो अपनी दरी बिछाती हूँ और करती हूँ योगा, इसके बाद फिर करूँगी और घर के काम। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है तो ऐसे में योगा करने में अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ, करूँगी प्राणायाम थोड़ी देर। योगा मेरा हो गया था, इसके बाद मैंने क्या देखा है, यहाँ ना बालकनी का जो दरवाज़ा है इसको खोलो तो बहुत आवाज़ करता है, और कई बार होता है कि मैं शूट करती हूँ तो धीरे से खोलना होता है, नहीं तो वो भाग जाते हैं मेरे चिड़िया, जो गिलहरियाँ होती हैं। इसलिए मैंने इसमें तेल लगा दिया है, जब भी ये दरवाज़े आवाज़ करें तो ये बहुत अच्छा है, तेल लगा दीजिए, कोई भी नारियल का हो, सरसों का, बहुत अच्छा वर्क करता है, तुरंत ही उसमें आवाज़ आनी बंद हो जाती है। इसके बाद ना आज मौसम तो अच्छा था ही, मैंने सोचा इसकी भी क्लीनिंग कर देती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट हो गई है यहाँ पर, बहुत दिनों से ये साफ़ नहीं हो पाई थी, इसकी ड्राइंग रूम की जो विंडो है, और दिख रहा होगा आपको कितनी डस्ट है ये देखिए। तो इसको मैं कर देती हूँ क्लीन, अभी सुमकी नहीं आई है तो उसके आने से पहले कर देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में पोंछा लग जाता है तो फिर ये काम रह जाता है मेरा। और अभी नाश्ता नहीं हुआ है, बेसन का चीला बनाने का है तो मैं बाद में बनाऊँगी, ये काम मैं पहले कर लेती हूँ। और जैसे ही मौसम ठीक होता है ना, मुझे फिर लगने लगता है कि बस कुछ ना कुछ अब किया जाए, गर्मी होती है तो मेरा फिर मन नहीं करता है। तो इसको अभी क्या है कि बारिश होने से डस्ट आएगी नहीं बहुत दिनों तक, ये साफ़ भी रहेगा, तो मैंने ये सारा फिर क्लीन किया था अच्छे से, पूरा खोल लिया है खिड़की। और इसके बाद मैंने ये सब्ज़ी मंगवाई थी तो वो दे गया था, घर में ही दे जाता है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ क्या मंगवाया है। मैं तुम्हें ही कॉल लगा रही थी, बारिश में आया कि नहीं आया। हाँ, मुझे लगा आओगी नहीं आज। अच्छा है, आगे तो निकल गई होगी ना पहले। हाँ, मेरा भी देने पहले। क्या कह रही हो? शनिवार को छुट्टी करेगी। शनिवार को क्या है? ओ, मेरा घर नागपुर से लेते नहीं, उस दिन पूजा है। अच्छा ठीक है, शनिवार तो भी बहुत दूर है, अभी तो शनिवार निकला है। बोले, हाँ, पहले बोल दिया, अभी बोला ना छुट्टी के लिए इसलिए बोल दिया। काम भी आज फैला हुआ था इतना सारा। तो सुमकी आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता कि वो ना आए, क्योंकि बारिश हो जाती है तो फिर इन लोगों को दिक्कत हो जाती है, जहाँ ये लोग रहते हैं पानी भर जाता है। इसके बाद मैं फिर ये बचा हुआ काम पूरा यहाँ कंप्लीट कर देती हूँ, जो मैंने ये सफाई का भी फैला के रखा हुआ था खिड़कियों का। हो गया था यहाँ मेरा सारा काम, डस्टिंग हो गई थी, क्लीनिंग हो गई थी। अब चलती हूँ, बनाती हूँ बेसन का चीला जो घोल के रखा हुआ है, और आ गई हूँ मैं किचन में। तो तवा चढ़ा देती हूँ, और ये तवा भी ना पराठा सेका हुआ था इसलिए मैंने इसको साफ़ करने को नहीं दिया था, चीला उस पर सही बन जाता है। और साथ ही मैं यहाँ पर दूध भी रख देती हूँ गर्म होने के लिए, जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तवे पर। तो मुझे ना ध्यान आया कि फ्रिज में ब्रेड रखी है, दीदी लेकर आई थी कल शाम को, तो
तो मैंने सोचा कि इसी को इस तरह बेसन के इस बैटर में लपेट कर सेक लेती हूँ पकौड़ी की तरह। तवे पर बन जाएगा, बहुत ऑयल भी नहीं लगेगा और जैसा कि मैं पहले भी आपके साथ शेयर किया है, मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। कढ़ाई कौन चढ़ाए कौन उसमें इतना सारा ऑयल डाले, तो ये पकौड़े का एक टेस्ट भी आ जाता है और ब्रेकफास्ट हो जाएगा सुबह का। चीला भी बनाऊंगी। आ गई तो आ गई, कैसे आओ? बारिश हो रही है और ये मिल जाता हमें बहाना। बहाना मिल जाता घर में बैठ जाते हैं। बहाना नहीं, आ जाना। छतरी किस लिए है बनाई गई है? ये मैं छात मेरे पास का शाम पर ले लेके घूमा। क्या छतरी लेके ले आई आज? जब कितना बारिश है आज से? देखो क्या हुआ, भीग जाओगी तो क्या हो जाएगा? मेरा भीगने का डर नहीं, मेरा बुखार का डर है। अरे ऐसे बुखार थोड़ी आता है भीगने से। नाना का पानी आ रहा है, छुट्टी नहीं करना। तो हाँ। नहीं। इधर कोने में ले लेना पूरा। आज ये सब साफ किया है खिड़की वगैरह। क्या मजेदार बारिश है, अच्छा है ना, थोड़ा राहत मिली गर्मी से। कौन नहाने चली गई? सारे मैडम जो अमित घुसा है। अच्छा, ये बोलो सुधर बैठा है, जो लाए थे तो बारिश आ गई। अच्छा, तो कितना मैडम बच्चा सारे भीग रही है। अच्छा भीग रही है, आज तो छुट्टी वाला दिन है। मैं तो निकलती नहीं। अच्छी तो हो रही है, बिल्कुल ऐसे नहाने वाली ही हो रही है। नहाने वाली तो नहीं, बहुत तेज ही आ। तो यहाँ ये बातें कर रही थी कि सोसाइटी में जो है ना लेडीज़, वो सभी नहा रही हैं बारिश में, बच्चे भी भीग रहे हैं। बोल रही थी आप नहीं जाते हो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाती हूँ। तो ये यहाँ ब्रेड हो गई थी तैयार सिककर, इसको निकाल देती हूँ। इसके बाद मैंने चीला भी बनाया था एक एक। अरे वाह, ये अच्छा किया। हाँ देखा मैंने, ब्रेड रखी है। ये चीला भी लेंगे आप? हाँ एक चीला एक ब्रेड ले लेंगे। सुखी खाओगी पकोड़ा बारिश में? दाव ये ले, यही बना दिएगा तो यही ठीक है। तवा पकौड़ा है कम तेल वाला, थोड़ा ये साफ कर देना, ये डस्टबिन वगैरह इतने गंदे रखे हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ जो बेसन मैंने घोला है कम पड़ जाएगा, क्योंकि सबको अच्छा लग रहा था और खा रहे थे। ब्रेड वाला ना अच्छा लगा, सुमकी भी से भी पूछा तो उसने भी हाँ बोल दिया था। और तो फिर मुझे लगा कि ये जो बैटर है कम था, मैंने फिर से उसको घोल लिया है। प्याज थोड़ी सी बचा रखी थी, वो भी इसमें मिला दी है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हाँ इसीलिए बेसन भूला, बारिश में अच्छा लगता है। आजकल तो रोज रखना चाहिए छाता, तो कब हो जाए पता नहीं। okay.
और यहाँ सारे सेक लिए थे और ये लगा दिया मैंने सुमकी की प्लेट जिसमें केचप डाल दिया है। ले लो खा लो। क्योंकि हम लोग ना सॉस वगैरह नहीं खाते हैं, टोमेटो केचप नहीं खाते हैं। जब बच्चे थे तब फिर फ्रिज में रहता था, आजकल तो नहीं रहता है। और अब मैं चली अपना भी नाश्ता करने के लिए। भी क्या बात है, बारिश का मौसम, बेसन का चीला, ब्रेड पकौड़ा, तो अभी के काम तो हो गए हैं सारे, नाश्ता पानी सब हो गया, साफ़ सफाई भी हो गई है और सुमकी भी काम करके चली गई है। तो बोल गई अगर बहुत बारिश होगी तो नहीं आऊँगी शाम को। और आज सारे दिन ही ऐसा मौसम रहने वाला है, बारिश होने वाली ऐसी प्रिडिक्शन थी। और ये देखिए पूरी विंडो साफ़ हो गई है, तो यहाँ अच्छा लग रहा था बैठने में, मैं बैठती भी ज़्यादा हूँ इधर पर। तो थोड़ी देर यहाँ बैठूँगी फिर करूँगी और आगे के काम। और ये बच्चे देखिए खेल रहे हैं बारिश में, जो कि सुमकी बता रही थी नीचे बहुत लोग बारिश में भीग रहे हैं। इसके बाद ये जो मैंने सब डस्टिंग कर दी थी, कवर सही से लगा देती हूँ, कुशन भी लगा देती हूँ यहाँ पर। और अब आ गई हूँ किचन में, तो ये जो सब्ज़ी मंगाई थी इसको भी वॉश करके रख देती हूँ। और आज ना ये गोभी की सब्ज़ी आई है, गोभी आया है बहुत दिनों के बाद, तो आज मैं लंच में यही बनाने वाली हूँ। थोड़ी सी चेंज मन कर रहा था खाने का। और ये शिमला मिर्ची भी है, साथ में बैंगन है, तो भरते के लिए बैंगन लाई हूँ। आज तो ये नहीं बनेगा। टिंडे भी हैं, अदरक थी, टमाटर है इसमें, खीरा था और नींबू है, तो इतनी सब्ज़ी थी। तो सारी मैंने यहाँ धोकर रख दी है, साथ ही कुछ फ्रूट्स भी थे और ये अमरूद अच्छा मिल रहा था वो भी ले लिया था। तो ये फ़ोन से ही ऑर्डर किया है। एक्चुअली होता क्या है, ये जो सोसाइटी वाले होते हैं ना सब्ज़ी वाले, ये अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते हैं कि ये सब्ज़ी आई है, बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो सभी देख लेते हैं और जिसे जाना होता है वो नीचे जाकर ले लेता है, नहीं तो फिर घर से ही ऑर्डर कर देते हैं। तो आज बारिश हो रही थी इसलिए घर से ही ऑर्डर कर दिया था। सब्ज़ी यहाँ सारी धोकर मैंने रख दी है। तो यहाँ मैं बैठी थी, अभी फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा चलो सब्ज़ी भी कट कर लेती हूँ। और ये गोभी है, फूल गोभी, तो इसको कट करने में तो टाइम लगता नहीं है, सारा मैंने निकाल लिया था और बिल्कुल कोई कीड़ा वगैरह नहीं था इसमें। और साथ ही यहाँ प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च कट कर लूँगी, आलू भी एक डाला है मैंने इसमें। तो
सब्ज़ी भी यहाँ बना लेती हूँ। ये मैंने अदरक लहसुन घिस लिया था, सरसों का तेल डाला है कढ़ाई में, गर्म हो गया है तब इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी मेथी के दाने भी डाल देती हूँ, और ये प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च कट की हुई वो डाल दी है। हल्का सा भूनूंगी और इसको हल्का सा भून लूँगी, इसके बाद मसाले डालूँगी। तो ये देखिए हल्का भुन गया है प्याज यहाँ पर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और गरम मसाला ज़रा सा, ये सब मैंने डाल दिया है यहाँ पर, हल्का भून लिया है इसको मिक्स करके। और इसके बाद एक टमाटर का पेस्ट यहाँ डाल दिया है, घिस लिया था मैंने कद्दूकस से, तो टमाटर डाल दिया है। बिना टमाटर वाली भी बनाती हूँ पर अभी कम है क्वांटिटी, एक छोटा ही था ये फूल गोभी, दोनों टाइम पे ये होगा भी नहीं, अभी लंच में ही ख़त्म हो जाएगा, इतनी ही सब्ज़ी बनेगी। आलू मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ, आलू वैसे भी मुझे बहुत कम पसंद है। कोई चीज़ जब बनती है आलू की तब तो ठीक है, आलू का पराठा हुआ या कोई ख़ास चीज़ है आलू की तब तो उसमें आलू पड़ेगा ही, लेकिन सब्ज़ी में मैं कम डालती हूँ। और बस इसमें मैंने डाल दी है गोभी और आलू, मिक्स कर लिया है अच्छे से इसको मसाला, थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसलिए मसाला मिक्स हो जाए, और ढक कर इसे पकने दूंगी लो फ्लेम पर। और यहाँ सारे ये बर्तन भी लगा देती हूँ जो सुमकी धोकर रख गई है। और सब्ज़ी भी यहाँ पककर तैयार है, तो देखिए बहुत कम ऑयल में बन गई है सब्ज़ी अच्छी सी। साथ ही मैं यहाँ दाल भी चढ़ा रही हूँ अरहर की, जिसमें हल्दी नमक डालकर इसको कुक करने के लिए चढ़ा दूँगी गैस पर। साथ ही यहाँ धनिया से मैंने गार्निश कर दी है, और अभी दाल मैंने चढ़ाई नहीं थी तो नहाकर मैं आ गई हूँ, अब दाल पकने के लिए रख दूँगी, उसकी तैयारी कर जाती हूँ। तो यहाँ मैं नहाकर आ चुकी थी और आज मैंने पहनी है रेड कलर की कॉटन की कुर्ती है, तो गर्मी के मौसम में बहुत अच्छी रहती है, हल्का कपड़ा है इसका। कंघी हो गई है और फिर आ गई हूँ मैं किचन में, तो अब जो काम रह गया था वो कर लेती हूँ पूरा। यहाँ पर दाल बन चुकी है, इसमें लगाऊंगी अब मैं तड़का हींग जीरे का। और अब बना लेती हूँ रोटी। तो लंच थाली यहाँ लगा लेती हूँ दोनों लोगों की, मेरी और दीदी की, दही भी है। तो ये देखिए सुबह जम आया था, जम गया है बहुत ही अच्छा सा। साथ ही ये रखा हुआ है सैलेड में, कट कर लेती हूँ खीरा।
और इसके बाद क्या हुआ था कि मैं खाना लेकर गई और मेमोरी फुल हो गई मोबाइल की, तो उसमें स्पेस ही नहीं था तो उसे डिलीट किया है। फिर ये मैं शाम को आपको मिल रही हूँ, तो आज जैसा बताया था कि सब्ज़ी बहुत कम थी, तो ये डिनर का टाइम है, कुछ बनाना था। जब कुछ भी नहीं होता है दिन का बचा हुआ तो फिर मैं बनाती हूँ। मशरूम रखा हुआ था तो वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। इसमें भी मेरा वही है तरीका बनाने का, तेल डाला है, प्याज भुना है, अदरक हरी मिर्च और लहसुन भी है थोड़ा सा साथ में, क्योंकि मशरूम में लहसुन बहुत अच्छा लगता है। और ये साथ में ही फ्राई कर लिया है थोड़ा सा, सारे मसाले डाल दिए थे मैंने जो भी बेसिक मसाले होते हैं, और टमाटर डाला है एक टमाटर का पेस्ट। तो ये पका लूँगी, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे ढककर कुक होने दूँगी। साथ ही यहाँ पराठा बनाती हूँ, दो पराठा बनाऊँगी। तो डिनर में पराठा ही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि ब्रेकफास्ट में पराठा कम बनता है तो रात में बना लेती हूँ। तो ये रहा मेरा आज का पूरा दिन, सुबह से लेके रात डिनर तक का मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको मिलूँगी मैं कल के व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बन गए हैं यहाँ पराठे, तो हम अपना डिनर करेंगे अभी।